फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं, कुछ पता नहीं था क्या करते हैं क्या कहते हैं. इनफैक्ट कभी भूल के भी मैंने कभी किसी को मैरी क्रिसमस विश नहीं किया. बस बचपन का इतना सा याद था कि सफेद साड़ी वाले को एक बाबा आते हैं जो पेड़ में हम लोगों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट रखते हैं जो अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चों को बांटते हैं. सेमेस्टर पेपर के चक्कर में उस बार कोई भी नए साल पे घर नहीं जा पा रहा. वैसे ही कॉलेज में क्रिश्चियन बंदे बंदियाँ नहीं करा पाते जैसे यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारी क्लास में एक डेजी नाम की क्रिश्चियन बंदी थी. डेजी से मेरा बस हाई हेलो लेवल का संबंध था, एक वैसे ही जैसे आजकल लोगों का फेसबुक पे लाइक लेवल का रिश्ता होता है. महीना था दिसंबर, शाम थी 25 की और जगह थी कॉलेज की कैंटीन. डेजी में ही टहलते हुए सामने पड़ते कि सारी लड़कियाँ टहलते हुए कैंटीन के आसपास देखी. जब वो सामने पड़ेगी तो मैंने आओ देखा ना था और फटाफट हैप्पी क्रिसमस बोल दिया. ये सुनकर वो बहुत हंसी और बोली, यार हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते, मैरी क्रिसमस बोलते. ये लोग केक खाओ, वार्डन से स्पेशल परमिशन लेके आए, गैस वैस अलाउड नहीं थे हमारे पास. अच्छा वैसे तो अगर कोई लड़का किसी लड़के को बुद्धू बोल देते हैं, उससे मिलता जुलता कोई शब्द बोल दे तो बोल सकते, लेकिन वो बुद्धू मुझे बहुत क्यूट लगा. एक बहुत ही मस्त था. डेजी ने फिर से पूछा, तुम नहीं मनाते क्रिसमस? नहीं, पता नहीं कैसे मनाते, मैंने पूछा. बहुत आसान है, डेजी ने बोला, बहुत आसान है. दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटो और संता से जो विश मांगते हैं मांग लो. संता सभी की विश पूरी कर देते हैं. मैंने थोड़ा डाउट करते हुए पूछा तो बोली, विश पूरी होने की किसे पड़ी है यार, विश पूरी होने की किसे पड़ी है यार. लाइफ में विश होना जरूरी है, विश पूरी होना जरूरी नहीं. अभी हमारी बातचीत शुरू ही हुई थी कि कैंटीन में मेरे दोस्तों ने मुझे चिल्लाकर मेरे दोस्तों ने मुझे चिल्ला के बुला दिया, ऐसे आप लोग भी दोस्त होंगे कभी देख लिया बात करके पार्टी होती. तो इधर डेजी को भी कॉलेज में कुछ लोगों ने आके मेरी क्रिसमस विश किया और इधर मैं बेमन से दोस्तों के पास वापस आ गया तो एक ने फोन ही मार के उस दिन डेजी से पहली बातचीत पार्टी मांगी. और मैंने खुशी खुशी डेजी से बातचीत की, खुशी दोस्तों ने पार्टी देकर बांट दी. वो मेरा पहला मेरी क्रिसमस. ऑफिस में एक बंदा सांता बनकर बैग में तो सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट बांट रहा था और सबकी विश पूछ रहा था. तब डेजी की याद आई. डेजी और मेरी बातचीत अधूरी रह गई थी और उस अधूरी बातचीत को पूरी करने की विश मैं हर क्रिसमस में मांग लेता, क्योंकि डेजी ने कहा ना लाइफ में विश होना जरूरी है, विश पूरी होना जरूरी है.